YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्पाद विभाग ने आज शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ सिकंजा कसते हुए नौडिहा बाजार तथा छतरपुर थाना क्षेत्र के इमलियाटाड़, सलैया, जमुआ, बिशनपुर, कोकरो, सरडी एवं तेलाड़ी सहित कई गांवों में औचक कार्रवाई कर संचालित कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर उत्पाद निरीक्षक सौरभ तिवारी के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस के सहयोग से अभियान को अंजाम दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान लगभग 540 लीटर अवैध चुलाई शराब तथा 7100 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किया गया। वहीं अवैध शराब निर्माण में संलिप्त 8 कारोबारी छापामार टीम पहुंचने की भनक मिलते ही भाग खड़े हुए, जबकि 15 अज्ञात सहित 23 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।